हेलो फ्रेंड्स, जॉब के एक नए अपडेट में आपका स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है जिसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आप इसमें क्या हो, एलिजिबल हो, और आपको सैलरी बहुत अच्छी इसमें मिल जाएगी और वैकेंसी भी बहुत अच्छी इसमें आई हुई है। और सारे ब्रांचेस यानी कि जितने भी वो मास्टर्स वाले हैं ऑलमोस्ट सारे क्या इसमें एलिजिबल भी हैं। तो ये सारी जो इसमें वैकेंसी आई हुई है यानी कि इसमें हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी फ़ीस क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है और इसमें जो मतलब किस टाइप की वैकेंसी आई हुई है, टीचर्स की भी है, नॉन टीचिंग की भी है, प्रिंसिपल की भी वैकेंसी इसमें आया हुआ है। मतलब हर एक मतलब उसके वैकेंसी उन्होंने क्या किए हैं, फाइन मतलब निकाले हुए हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो चुका है यानी कि 29 जून से ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और ये 31 जुलाई तक एप्लीकेशन चलेगा। अगर आप इसमें प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस पड़ेगी वो 2000 पड़ेगी। अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1500 है। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी फ़ीस 1000 पड़ेगी। तो ये तो फीस हो गया जो उन्होंने बता रखे हैं। आगे चलते हैं कि इन्होंने डिटेल जो बताए हैं, वैकेंसी जो डिटेल है यहाँ पर, तो इनकी जो वैकेंसी डिटेल है, जो प्रिंसिपल हैं वहाँ पर वैकेंसी जो आई हुई है वो 303 वैकेंसी है। जो पीजीटी यानी कि जो टीचर की वैकेंसी है वो है 2266 वैकेंसी आई है और अकाउंटेंट की वैकेंसी है 361 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 759 है और लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी है 373 वैकेंसी है। जो टोटल निकल के वैकेंसी आ रही है वो 4062 वैकेंसी आई है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपके फ्रेंड इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसको शेयर कर दो वीडियो को, जिससे उनकी हेल्प हो जाए और मेरी भी। यहाँ पे जो इन्होंने प्रिंसिपल के बता रखे हैं, जो ग्रुप ए की वैकेंसी यानी कि है, तो यानी कि इन्होंने पूरी कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दी है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 125 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 81 है और एससी के लिए 45 है, एसटी के लिए 22 है। टोटल वैकेंसी क्या है, 303 वैकेंसी है। यहाँ पर जो ओएच यानी कि जो डिसेबल है यानी कि जो जिनके पास प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी वैकेंसी उन्होंने क्या रखें, निकाल रखे हैं। जो टीचर की वैकेंसी पूरी है, टीचर की वैकेंसी है यानी कि इंग्लिश के, हिंदी की, मैथ्स की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस है, इन सारे फील्डों की क्या ये वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, ज्यादा वैकेंसी है। और यहाँ पर यानी कि जो डिसेबिलिटीज है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से लोग एलिजिबल यहाँ पर भी हैं। आगे कि जो पोस्ट यानी कि जो नॉन जो थर्ड लैंग्वेज की में वैकेंसी आई हुई है, जैसे मराठी हो गया, उड़िया हो गया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली हो गया और संथली हो गया, यानी कि इन सब में भी क्या हुई, वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर भी डिसेबिलिटी जो जिनके पास है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप भी क्या हो, यहाँ पे एलिजिबल हो। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, जैसे यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, इनकी वैकेंसी की डिटेल इन्होंने यहाँ पे दे रखी है कि किस कैटेगरी की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ पर उन्होंने और एक चीज़ बता दिया है कि जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो इंडियन के सिटीजन हो यानी कि जो इंडिया से वही क्या हो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और भी आपको अगर कोई भी अगर आपको देखनी है तो आप NESTS जाकर वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे। इन्होंने एक चीज़ और बता दिया है कि यहाँ पर इंटरव्यू भी हो गया और जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो 80% जो वेटेज होगा वो आपके एग्ज़ाम के होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम 20% इंटरव्यू के होंगे एंड देन आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी उन्होंने बता दिए हैं कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा और 0.25 आपके मतलब रॉन्ग आंसर के मार्क्स वो कट डिटेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे सैलरी मिलेगी, अगर आप प्रिंसिपल में आपका वो होता है सिलेक्शन तो लेवल 12 की आपकी क्या होगी, पे मैट्रिक्स होगी और जो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 78,800 से लेकर ठीक है 209,200 तक होगी आपके। जो आपकी टीचर की वैकेंसी है मतलब टीचर की जो पीजीटी की है यानी कि इसमें 47,600 से 1,50
51,100 तक हो गया आपका। अकाउंटेंट का 35,000 से स्टार्ट होगा और जूनियर सेक्रेटरी का 19,900 से स्टार्ट होगा और लैब अटेंडेंट का 18,000 से स्टार्ट होगी। जो मोड ऑफ इनका एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो क्या होगा, ओमआर बेस्ड आपका यानी कि पेन पेपर मोड क्या होगा एग्जाम होगा। और जो चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो होगा, पेपर आपका जो होगा वो जो होगा थर्ड लैंग्वेज यानी कि वो हिंदी इंग्लिश और आपका एक और लैंग्वेज में क्या होगा अवेलेबल होगा। एग्जाम पैटर्न जो होगा आपका यानी कि जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा, 130 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और जो लैंग्वेज के मतलब और लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन वो पूछेंगे 20, ठीक है, 20 मार्क्स के। आपके जो इंटरव्यू होगा वो 40 मार्क्स का हो गया, यानी कि जो यहाँ पे प्रिंसिपल को उन्होंने बता दिया कि सिलेबस क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, उन्होंने हर एक चीज़ बता दिया है। जनरल अवेयरनेस होगा, लैंग्वेज कैपेटेंसी टेस्ट होगा, अगला फोर्थ में एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट क्या है, और फिफ्थ में होगा यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस रिलेटिव भी क्या होगा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे। तो ये तो आपके प्रिंसिपल के हो गए, ठीक है, और पीजीटी यानी कि टीचर के लिए क्या है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, नॉलेज ऑफ आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, डोमेन नॉलेज यानी कि आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के भी क्या होंगे टोटल वो क्या होंगे क्वेश्चन होंगे उसके भी, और लैंग्वेज रिलेटिव भी क्या होगा आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टीचर के हो गया। अगला आता है कि अकाउंटेंट के क्या होगा, अकाउंटेंट में क्या होगा कि आपके पास जो होगा रीजनिंग एबिलिटी हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लैंग्वेज रिलेटिव क्वेश्चन होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछे जाएंगे, ऑपरेशंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स भी क्या होगा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिफ्थ में आता है यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे अकाउंटेंसी क्या है, एनुअल टैक्सेशन क्या है, अकाउंट्स क्या है, बजटिंग क्या है, ठीक है, इन सबसे रिलेटिव क्या होगा आपसे क्वेश्चन पिकअप किए जाएंगे। जो जूनियर सेक्रेटरीट है उसमें भी क्या होगा, जनरल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस होगा और लैंग्वेज रिलेटिव क्वेश्चन होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहां भी क्या होगा इतनी सारी से क्या होगा आपसे पिकअप किए जाएंगे क्वेश्चन। और लैब अटेंडेंट के लिए कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट होगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपसे ये भी क्या होगा पूछा जाएगा। एंड देन मार्किंग जो है यहाँ पर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 0.25 क्या होगा नेगेटिव मार्किंग, डिडक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। तो और ओमआर बेस क्या होगा क्वेश्चन होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको अगर सिलेबस के बारे में और डिटेल जानना है तो आप इनकी इस वेबसाइट पर जाकर आप पूरी डिटेल में सिलेबस देख सकते हो। और जनरल इंस्ट्रक्शन जो ने बता दिए हैं कि यहाँ पर अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आप यहाँ पर इनसे मेल करके आप पूछ सकते हो इनसे क्वेश्चन। आपको रफ वर्क के लिए ना बता दे कि आपको रफ वर्क के लिए भी क्या होगा कि जगह मिल जाएगा, ठीक है, रूम हॉल में क्या होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब पेजेस दिए जाते हैं, एक या दो पेजेस क्या करेंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात किया है, जो प्रिंसिपल में आप अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप ओबीसी या फिर एससी एसटी से हो, ठीक है, तो आपको रिलैक्सेशन जो मिलेगा जो भी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और 12 ईयर की क्या होनी चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल में। अगर आप टीचर में अप्लाई करते हो तो उनके लिए मतलब एज क्या है कि 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज, और यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी या फिर बायोलॉजी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स के लिए हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और रिलीजन्स, लैंग्वेज के लिए। अगर आपके पास, ठीक है, 4 ईयर की सब डिग्री है, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि बीएड कंपलसरी नहीं है, ठीक है, जैसे आपने 4 ईयर की डिग्री आपने लिया, ठीक है, तो आपके पास कंपलसरी नहीं होगा बीएड, आप एलिजिबल रहोगे। इन्होंने यहाँ पे लिख दिया बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर आप 4 ईयर का कोर्स है तो आप क्या हो मतलब बीएड आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस में करोगे तो यहाँ पर एमई एमटेक से अगर आपने कंप्यूटर साइंस आईटी से किया है तो आप क्या हो एलिजिबल हो, या फिर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर एमसी आपने किया है तो भी क्या हो आप एलिजिबल हो।
एंड देन अकाउंटेंट में डिग्री ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। जूनियर सेक्रेटरी में बता दिया उन्होंने, जूनियर सेक्रेटरी आपके पास क्लास ट्वेल्थ आपने किया है, ठीक है, और जो टाइपिंग स्पीड हो 35 वर्ड्स पर मिनट में हो चाहिए इंग्लिश की, और हिंदी की 30 होनी चाहिए, तो क्या हो आप एलिजिबल हो। लैब अटेंडेंट में क्या होना चाहिए, 10th पास, क्लास पास, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, ठीक है, अगर आपने 12 किया है तो क्या हो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये सारी इन्होंने क्या बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, जिससे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और आपको एज रिलैक्सेशन आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, कि आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन सबको, मतलब जो जो एलिजिबल हैं उनको यहाँ पर मिलेगा, ये आप देख सकते हो, रेट कर सकते हो। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। थैंक यू।